अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कंपनी लॉ का क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपनी वाइंडिंग ऑफ वॉलंटरली इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रोसीजर। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। कंपनी का ख़त्म होना मतलब कि कंपनी की ज़िंदगी का ख़त्म होना। एक कंपनी एक आदमी होता है, इसका ख़त्म होना कानून को मुतासर करता है। कंपनी का ख़त्म होना एक कानूनी मकसद होता है, ये मुकम्मल तौर पर कंपनी का कारोबार ख़त्म करता है। अगर इसका हिसाब हिस्सेदारों में तकसीम किया जाए तो खुद ब खुद उनके हिस्से ख़त्म हो जाते हैं। द टर्म वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसीजिंग बाय विच कंपनी इज डिसॉल्व और इट इज कॉल्ड एंड ऑफ द लाइफ ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप स्टार्ट्स आफ्टर द कोर्ट्स ऑर्डर फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। It is a permanent closing of the business of company and if some funds in the account of company exist, in this case all the amount will be distributed among the shareholders equally. Definition of winding up. Winding up is the process of selling all the assets of the company, paying off credits and distribution of all remaining funds to the shareholders and then closing the business is called winding up. जब एक कंपनी ख़त्म हो जाती है और इसकी जायदाद इसके कर्जदारों को और मेंबर को दी जाती हैं तो इसको winding up कहते हैं। Modes of winding up, तरीक़ेकार इसके winding up के क्या हैं। According to the company's ordinance 1984, voluntary winding up, compulsory winding up, it proceeds by the court. Winding up, it proceeds under the supervision of the court. Voluntary winding up means के इख्तियारी तौर पर ख़त्म करना। Compulsory winding up, it proceeds by the court, मतलब अदालत की तरफ से लाजमी तौर पर ख़त्म करना। और winding up, it proceeds under the supervision of the court, अदालत की तरफ से बर्खास्तगी। winding, voluntary winding up को करते हैं। A voluntary winding up is proceeded by the member of the company by a passing special resolution. The winding up begins at the time of passing the resolution. Voluntary winding up has following types. जो voluntary windings up of company है उसकी कुछ types हैं। Members voluntary winding up, members की इख्तियारी तौर पर बर्खास्तगी की सूरत में director हिस्सेदारों की meeting में company को बंद करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, तब meeting के में इख्तियारी तौर पर बर्खास्तगी के लिए करारदाद पास होगी। In order to proceed winding up, a company must be in the position to pay its all the debts within 12 months after starting the process of winding up. इसके जो debts वगैरह कुछ भी हैं उसको within after starting 12 months के अंदर जो है उसको proceed winding करेंगे। Deliberator will be appointed by the company for this purpose. Second पे हैं कि creditors voluntary winding up. If a company is unable to pay its debts to the creditors but wanted to close up of the business of the company, it is impossible but with the consent of the creditors the voluntary winding up of the company is possible. जब कोई कंपनी जो है वो unable to pay debts हो जाए creditors को, लेकिन जो creditors हैं वो उसको क्लोज करना चाहें या फिर उस पर इस तरह से, तो कंपनी जो करे वो तो इम्पॉसिबल हैं, बट इट इज़ पॉसिबल विद द कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स खुद चाहें तो ये पॉसिबल है वॉलंटरी वाइंडिंग अप उसको कंपनी को करना। प्रोसीजर क्या है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिजिग्नेटेड एनी पर्सन एज लिक्विडेटेड हु अपॉइंटेड फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। द लिक्विडेटर टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कलेक्ट्स इट्स एसेट्स, पे डेब्ट्स ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर्स all remaining funds amongst the shareholders. At the time of winding up, the name of the company is excluded from the list of companies and
इट्स आइडेंटिटी इट्स इज लॉस्ट। प्रोसीजर में ये है कि कंपनी कर्ज ख्वाह और तहलील का कार मुकर्रर करने के लिए मीटिंग बुलाती है। जब कारोबार का खात्मा मुकम्मल हो जाता है, तहलील कार कंपनी के कर्ज ख्वाहों के लिए आखिरी मीटिंग बुलाते हैं और उनके सामने मुकम्मल हिसाब किताब पेश करते हैं। एक रिपोर्ट की कापी कंपनियों की रजिस्ट्रार को भी भिजवाई जाती है। रजिस्ट्रार हिसाब किताब और दूसरे कागजात हासिल करने पर कंपनी के साफ को अमल में लाता है। डिसोल्यूशन में ये है कि मंसूख करना, कंपनी के हिसाब किताब की कापी 3 माह बाद हासिल करने के बाद ये मंसूख हो जाती है। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ रिसीविंग द कापी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज वाउंड अप और डिसॉल्व्ड। कंपनी के हिसाब किताब की जो कापी होती है 3 माह के बाद हासिल करने के ये मंसूख हो जाती हैं। सर्कमस्टांसिस इन विच ए कंपनी विल बी वाइंड अप, फॉलोइंग आर सर्कमस्टांसिस हैं जिनकी वजह से कंपनी जो है वाइंड होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन, ए कंपनी विल बी वाइंड अप व्हेन ए स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द कंपनी ड्यू टू एनी रीजन। जब कोई स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास की जाती है किसी भी कोई भी रीज़न हो तो उसमें जो करारदाद होती हैं उसमें जो है वो कंपनी को बाइंड किया जाता है। सेकंड पे है नॉन प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ए कंपनी विल बी वाइंड अप व्हेन द कंपनी गेट्स फेल्ड टू प्रेजेंट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। जब जो कंपनी है वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट प्रेजेंट करने में फेल हो जाती है, इस केस में भी वाइंड अप होती हैं। और नॉन प्रोविजन ऑफ बैलेंस शीट, ए कंपनी विल बी वाइंड अप व्हेन कंपनी गेट्स फेल्ड टू प्रेजेंट बैलेंस शीट और जो फॉर लास्ट 5 ईयर्स कंजेक्टली, मुसलसल जो है वो 5 सालों तक जो प्रोविजन बैलेंस शीट्स होती हैं वो अगर ना प्रेजेंट करे तो इस केस में भी जो कंपनी है वो वाइंड अप होती है। नॉन कमेंसमेंट ऑफ बैलेंस, कंपनी जो है वो वाइंड अप होती है नॉन कमेंसमेंट ऑफ बैलेंस की वजह से अगर कंपनी जो है इसको फॉर्मेशन नहीं करती। कंपनी विल बी वाइंड अप व्हेन इट गेट्स फेल्ड टू कमेंस इन बिजनेस विद इन 1 ईयर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर आफ्टर इट्स फॉर्मेशन की कमेंसमेंट बैलेंस जो है प्रेजेंट नहीं करती तो इसको भी फेल हो जाती है। रिडक्शन ऑफ मेंबर्स, ए कंपनी विल बी वाइंड अप व्हेन मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर लेस देन 7, जो मेंबर्स ऑफ पब्लिक कंपनी है उसके लेस मेंबर 7 हो एंड मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी लेस देन 2 हो। उसके बाद अनपेड जो है डेब्ट्स हैं, ए कंपनी विल बी वाइंड अप व्हेन द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी आर अनपेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के डेब्ट्स हैं जो कर्जा है अगर वो जो क्रेडिटर्स हैं उनको पेड नहीं होता तो इस केस में भी जो कंपनी है वो वाइंडिंग अप होगी। क्रिमिनल ऑफेंस, ए कंपनी विल बी वाइंड अप व्हेन कंपनी विल एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई एक्ट करती है या क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसमें भी वाइंड अप होगी। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, एज टू कंपनी इटसेल्फ, आफ्टर वाइंडिंग अप द कंपनी कीप्स इट्स एग्जिस्टेंस अंडर इट्स डिसोल्यूशन बट द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द लिक्विडेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के बाद जो कंपनी वो कीप्स द एग्जिस्टेंस करती है अंटिल इसकी जो डिसोल्यूशन होने के बाद, बट द बिजनेस ऑफ द कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लिक्विडेट करता है वाइंडिंग प्रोसेस जब तक होना जाए। उसके बाद जो है एज टू शेयर होल्डर्स, एज टू शेयर होल्डर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑल द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द लिक्विडेटर फॉर एनी फर्दर कंट्रीब्यूशन। एज टू शेयर होल्डर्स में जो हर एक हिस्सादार जो है उसको अपना हिस्सा बांट देना चाहिए। एवरी शेयर होल्डर्स इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट हिज एसेट्स। सेकेंड एज टू थर्ड है सॉरी एज टू क्रेडिटर्स, कर्ज ख्वाहों से, इसका मतलब है कि अगर कंपनी दिवालिया होने से बर्खास्त हो रही है तो दिवालिया होने का कानून लागू होगा, लेकिन अगर एक महल कंपनी बर्खास्त होती है तो कंपनी के खिलाफ तमाम कर्ज और मुतालबे कंपनी के लिए काबिल तस्लीम होते हैं।
if the company is being winding up, but the company is unable to pay the debts of its creditors, in this case the rules of insolvency will be applied. But if company is able to pay all the debts of its creditors, in this case company will be wind up without any legal restrictions. As to shares and assets of the company, if the company is winding up, all the shares will be wind up and all the assets of the company will be taken into possession. कंपनी की बर्खास्तगी के बाद तब्दीली का हिस्सा जो है वो जायज़ होगी. पावर ऑफ ऑफिसर एंड सर्वेंट. आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ द लिबिटर, ऑल द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स विल बी अबॉलिश्ड एंड ऑल सर्वेंट्स ऑफ कंपनी विल बी डिसमिस्ड विद इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जो लिबिटर्स अपॉइंट होता है उसके बाद जो डायरेक्टर्स हैं या जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं वो अबॉलिश हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं. और जितने भी सर्वेंट्स हैं ऑफ द कंपनी के, वो डिसमिस हो जाते हैं जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है. नेक्स्ट है डिस्पोजिशन ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी. आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी विल बी डिस्पोज ऑफ. जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी जायदाद होती हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं. नो लीगल प्रोसीडिंग. आफ्टर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, नो लीगल प्रोसीडिंग विल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट द कंपनी. जब कंपनी वाइंड अप हो जाए तो उसके बाद जितने भी कोई भी प्रोसीडिंग हो कंपनी के अगेंस्ट वो नहीं होगी. कंक्लूड में ये, टू कंक्लूड आई कैन से दैट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज ए प्रोसेस व्हेन लाइफ ऑफ द कंपनी कम्स टू एन एंड. जो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी है इसमें जो कंपनी की लाइफ है वो एंड होती हैं. एंड ऑल द बिजनेस ऑफ द कंपनी एबॉलिश्ड. और जितना भी कंपनी का बिजनेस होता है वो ख़त्म हो जाता है. ऑल द डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर ऑफिसर्स बिकम्स पावरलेस. जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी पावर ख़त्म हो जाती है. एंड देयर सर्वेंट्स शिप टू आल्सो कम्स टू एन एंड. और उसकी सर ख़त्म हो जाता है. लिबिटर टेक्स द कंट्रोल ओवर द कंपनी अंटिल द रिजोल्यूशन ऑफ ऑकर्ड. कंपनी की बर्खास्तगी के खात्मा होता है. ठीक है, ये कंपनी के कानून 1984 तमाम मामलात ख़त्म हो जाते हैं. एक कंपनी इख्तियार तरीके से दोनों की बर्खास्तगी हो सकती है जो कि कंपनी के मेम्बरान के पास होते हैं. इसके बाद वाइंडिंग अप के बाद जो है वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं.